नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है फास्टैग यूट्यूब चैनल में। तो आज एक बहुत बुरी खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में ही, अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की रीज़न क्या था तो वो तो अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन कुछ बातें पता चली है कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन क्यों था, किस बात का तनाव था उन्हें, अभी तक खुल के मामला सामने नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों में ये मामला सामने आ जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस तनाव के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। तनाव आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये बात आती है कि हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे ये रेशियो बढ़ता जा रहा है कि बच्चे जो यंगस्टर हैं वो अपनी जान खुद से ले रहे हैं। जान खुद से लेने की वजह है कि डिप्रेशन। सब कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया था, इसकी वजह से जान ले ली, मार्क्स कम आया इसकी वजह से जान ले ली। तो ऐसा करने से आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, छोड़ के चले जा रहे हो इस दुनिया को, ठीक है, आप अपने अपनों को छोड़ के चले जा रहे हो, आप टेंशन मुक्त हो जा रहे हो, लेकिन बाकी आपके परिवार का क्या, आपके परिवार को क्या फील पड़ता है, आपके माँ बाप पे क्या गुजरती है, ये आप नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ देख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। अगर एक मार्क्स वाली शीट आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है क्या? सबसे बड़ा सवाल है ये कि एक नंबर जिससे आप पास या फेल हो रहे हो एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है क्या? आप जन्म देते टाइम कोई एग्ज़ाम पास किए थे क्या? तो एग्ज़ाम या नंबर्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका हुनर। मैक्सिमम जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं, जो आज सक्सेसफुल कहलाते हैं, उन्हें मार्क्स की कोई परवाह नहीं थी। जिनमें से मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल था, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं खुद की जान ले लूँ। तो ऐसा अगर वो सोचते तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते थे। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा व्यू के हिसाब से आप सभी को खुदकुशी करने की, आत्महत्या करने की यह सब सोचनी भी नहीं चाहिए, यह सब बातें दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे अपने फैमिली को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ अक्षय कुमार जी की, उन्होंने क्या बोला है इस डिप्रेशन और आत्महत्या को लेके, कि यंगस्टर क्या फील करते हैं क्या नहीं फील करते हैं, इसको लेके अक्षय कुमार जी ने बहुत अच्छी बात बोली है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 इडियट्स में एक डायलॉग है कि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो किसी भी इंसान के दिमाग की मेंटल प्रेशर को माप सके। अपने मेंटल प्रेशर को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में है वो कंट्रोल करना। आप जितना किसी भी चीज़ को बार बार सोचोगे, वो चीज़ उतना बड़ा होता जाएगा। उसे सोचना बंद कर दो, उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो, वो छोटा होकर आपकी मुश्किलें हल कर देगा। आप किसी से बांटो, बात करो, जिस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस होता है, जिस टाइम आपको लगता है कि हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं, किसी से बात करो, किसी से मस्ती करो, किसी से मजाक करो। और अगर कोई आपका दोस्त भी बुरा फील कर रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, उसे मेंटली स्ट्रेस फील कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो, ना कि उसे ये बोलो कि क्या पागलों की तरह कर रहा है। ऐसा बोलने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा बोलने से मे बी अगर आपका दिलासा देने से किसी की जान बच सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बढ़ते हैं उस वीडियो की ओर और देखते हैं अक्षय कुमार जी ने अपनी क्या राय दी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए फास्टैग चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सलूशन है, और वो सलूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है,
चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ, मुझे बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने यह ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूं। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5-स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं, ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो, इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दाव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहां गए वो जमाना, कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते हैं, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव, बेटा थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है, अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी, एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर।
टिल देन नेक्स्ट टाइम गुड बाय जय हिंद। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिप्रेशन में ना रहें, आप अपनी मुश्किलों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, कुछ भी मन में ना रखें जिससे आप गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। यही बात अक्षय कुमार जी ने भी कही है, आपने वीडियो में देखा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि डिप्रेशन में क्या होता है, क्यों नहीं हमें डिप्रेशन में रहना चाहिए। आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोच के चलना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी तरह के अच्छे वीडियोस में लेके आऊँगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, गुड बाय।